खबर आ रही है यूपी नगर निगम चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से यूपी नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी में खासा उत्साह है क्योंकि शानदार जीत हुई है। नगर निगम के 16 में से 14 सीटें बीजेपी ने जीत ली है। लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर में बीजेपी की जीत हुई है। वहीं अयोध्या, मथुरा, सहारनपुर, फिरोजाबाद में भी बीजेपी ने विजय हुई। बरेली, झांसी, वाराणसी, मुरादाबाद में भी बीजेपी की शानदार जीत हुई। दो सीटों पर बीएसपी ने कब्जा किया है और बीएसपी के लिए ये अच्छी खबर है। बीएसपी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, ना ही बीएसपी प्रमुख मायावती ने चुनाव प्रचार किया, ना कहीं पर रैली की, लेकिन उसके बावजूद बीएसपी ने कम बैक किया है, यानी एक शानदार प्रदर्शन। दो सीटों पर कब्जा किया बीएसपी ने, अलीगढ़ और मेरठ पर बीएसपी का कब्जा हुआ है और ये बीएसपी के लिए एक आप कह सकते हैं कि शानदार परिणाम आया है। वहीं बरेली, झांसी, वाराणसी, मुरादाबाद में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है, यानी 16 में से 14 सीटों पर बीजेपी विजय हुई। वहीं दो सीट बसपा के खाते में है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए तो मेयर सीट को लेकर दोनों पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। वहीं जहां तक नगर पालिका की अगर बात कर ली जाए तो वहां भी बीजेपी सबसे आगे है, यानी नगर निगम में 16 में से 14 सीटें तो नगर निगम में जीती ही है। उसके बाद बीजेपी 101 सीटें जो कि नगर पालिका चेयरमैन के लिए भी जीती है। समाजवादी पार्टी 36 सीटें जीती है। बीजेपी 14, समाजवादी पार्टी यानी नगर निगम मेयर पद की अगर बात कर ली जाए तो 14 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है और ये बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर है। यानी योगी आदित्यनाथ पर पहले परीक्षा में पास हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी है जो चौंकाने वाली है। आपको बता दें कि बीजेपी के लिए ये खबर कि योगी आदित्यनाथ यानी जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस मंदिर के वो महंत हैं, मुख्यमंत्री के साथ साथ वो महंत भी हैं और वो कहीं ना कहीं हार गए हैं, यानी 68 नंबर वार्ड पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। तो जीत के बाद अलग अलग शहरों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया है। वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, मथुरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीते हुए प्रत्याशी के स्वागत में जमकर जश्न मनाया। ये तस्वीर और ये लखनऊ की तस्वीर है। लखनऊ में पार्टी कार्यालय के बाहर भी जमकर आतिशबाजी की गई, हालांकि प्रशासन ने इस पर एक्शन लिया है। 15 तारीख तक आप आतिशबाजी नहीं कर सकते, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सारे नियम कानून को ताक पर रखते हुए जमकर आतिशबाजी की और ये तस्वीर लखनऊ की है जहां पार्टी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखने को मिला और जमकर आतिशबाजी की गई। नेशनल वॉइस पर महाकवरेज लगातार हम सुबह से दिखा रहे हैं आपको और एक के बाद एक नतीजे जो परिणाम अब तक सामने आए हैं और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको जीत के जश्न के। लखनऊ की ये तस्वीर है, पार्टी कार्यालय के बाहर अलग अलग जगहों पर भी जश्न मनाए गए। वही दूसरी तस्वीर हम मथुरा की दिखाएंगे आपको। मथुरा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहली बार यानी वहां पर नगर निगम के लिए जो चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। यानी मथुरा में नगर निगम को लेकर पहली बार चुनाव हुआ और चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की और जीत के बाद तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जमकर झूमे, जमकर ढोल नगाड़े के थाप पर और वहां पर भी जश्न मनाया गया। वहीं गोरखपुर की बात कर ली जाए, गोरखपुर में शानदार जीत बीजेपी की, यानी गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, लेकिन नगर निगम महापौर की अगर बात कर ली जाए तो गोरखपुर में भी शानदार जीत हुई है बीजेपी की। लेकिन कुछ ऐसे सभासदी सीट जो है वार्ड की अगर बात कर ली जाए तो कुछ वार्डों पर हारे हैं, वो चौंकाने वाले हैं। वहीं कानपुर की अगर बात कर ली जाए, कानपुर में भी बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। यानी काफ़ी कांग्रेस के साथ कहा यह जा रहा था कि कांटे की टक्कर है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने अपनी सीट को बरकरार रखते हुए, पहले भी बीजेपी के ही महापौर थे और इस बार भी बीजेपी ने ये इस सीट को खोया नहीं बल्कि अपने ही कब्जे में रखा है। यानी कि वाराणसी की जहां तक बात कर ली जाए, वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और संसदीय क्षेत्र में भी बीजेपी ने विजय का जश्न मनाया। बीजेपी के प्रत्याशी काफी अंतर से वहां पर जीत दर्ज की है। तो यूपी निकाय चुनाव में जीत पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर प्रदेश की जनता को बधाई दी है। पीएम ने लिखा कि देश में फिर एक बार विकास की जीत हुई है, भव्य जीत के लिए यूपी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी जीत की शुभकामनाएं दी है। यानी ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी है।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में निकाय चुनाव में शानदार जीत को लेकर ट्विटर के जरिए शुभकामनाएं दी है, खासकर योगी आदित्यनाथ को शुभकामनाएं दी, साथ ही पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को दिल से बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि विकास की जीत हुई है, यानी यूपी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। और नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस और सपा का बुरा हाल हुआ है। अगर सपा की अगर बात कर ली जाए तो सपा ने पिछले 7-8 महीने के दरमियान यानी कि विधानसभा हारने के बाद भी अपनी गलतियों को ध्यान में नहीं रखा और यही वजह है कि भारी पराजय हुई है समाजवादी पार्टी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं कि उन्होंने शुभकामनाएं दी है और इस बीच मेरठ से बड़ी खबर, मतगणना स्थल के पास व्यवस्था बनाने के दौरान जनता और पुलिस के बीच झड़प हुई है। झड़प में एक पुलिस वाले के सिर में चोट लगी है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पत्थरबाजी के आरोप में पुलिस ने मेरठ के वार्ड 5 से पार्षद का चुनाव जीते सुमित को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 5 से जो पार्षद का चुनाव जीते थे सुमित, फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि पत्थरबाजी की जा रही थी। जश्न के आड़ में वहां पर पत्थरबाजी की जा रही थी, यानी कि अराजकता का माहौल बन गया था और उसी माहौल में पुलिस ने जब कोशिश की ये यानी सबको कमांड करने की तो उस दरमियान एक पुलिसकर्मी चोटिल हो गए हैं। हालांकि पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया है, वार्ड नंबर 5 के पार्षद को गिरफ्तार भी किया है। तो पुलिस और पब्लिक में झड़प हुई है, यानी जगह जगह मोहित सैनी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, झड़प में एक पुलिसकर्मी घायल हो गए। मोहित, क्या जानकारी मिल रही है? मोहित, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, हम आपसे जानना चाहेंगे किस बात को लेकर झड़प हुई। जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा, मतगणना स्थल के पास व्यवस्था बनाने के दौरान जनता और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। बताया जा रहा है कि झड़प के पुलिस वाले के सिर में चोट आई है, जो कि गंभीर रूप से घायल है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी, लेकिन ये चोट क्या पत्थर से लगी है? जी, पुलिस के कप्तान ने जायजा लिया है। जब कप्तान ने बताया गया है कि एक पुलिस वाले के गंभीर चोट आई है, पुलिस ने लाठीचार्ज की थी, उधर से पत्थरबाजी का आरोप लगाते हुए मेरठ के वार्ड नंबर 5 से पार्षद का चुनाव जीते थे, जिनका नाम सुमित है। जी, तो क्या ये जो पत्थरबाजी हो रही थी, वार्ड नंबर 5 के जो जीते प्रत्याशी हैं, जश्न के आड़ में पत्थरबाजी की जा रही थी? जी, पत्थरबाजी की जा रही थी। जो पार्षद जीता था उसे पत्थरबाजी किया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया पूरी तरह से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आपको फिर से बता दें कि वार्ड नंबर 5 के जो पार्षद हैं सुमित, फिलहाल उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चिन्हित कर लिया है कि किसने पत्थरबाजी की है और पत्थरबाजी के कारण एक पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं, चोटिल हो गए हैं, सर में चोट आई है, गंभीर रूप से जख्मी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मेरठ, जहां बीजेपी नगर निगम में हारी है, यानी कि महापौर के पद पर बीएसपी ने कब्जा किया है। तो यूपी निकाय चुनाव में जहां बीजेपी को भारी जीत मिली है, वहीं कांग्रेस को अपने ही गढ़ में करारी हार का सामना करना पड़ा है। अमेठी में कांग्रेस की हार पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। मुझे नहीं लगता कि जनता और साथ ही जर्नलिस्ट दोनों जानते हैं कि राहुल गांधी जी जहाँ तक फैक्ट की बात है वहाँ पर कच्चे पड़ते हैं। कह रहे हैं कि वह लखनऊ की नवनिर्वाचित मेयर बीजेपी के संयुक्ता भाटिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रियम पाठक ने। 100 साल के सौ साल के लखनऊ नगर निगम को पहली महिला महापौर जो है वो मिल चुकी है हमारे साथ बात करने के लिए। इस समय बीजेपी की जो है संयुक्ता भाटिया जी, संयुक्ता जी, जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता का आभार प्रकट करना चाहूंगी, जनता ने जनादेश दिया है और मैं उनकी आकांक्षाओं पे खरी उतरना चाहूंगी। इतना बड़ा जनादेश मिला है, संकल्प पत्र जारी किया गया था, तो कौन सी ऐसी पहली चीजें हैं, पहली प्रायोरिटी में आप क्या काम करेंगे? सबसे पहले सफाई, सुंदर शहर बनाने के लिए सबसे पहले सफाई, और नगर निगम की जो भी है जल निस्तारण की समस्या है, और सबसे बड़ी समस्या इस समय जाम की है, उस पर पहले काम करूंगी। बाकी सारी समस्याएं तो है ही हैं। इतना बड़ा जनादेश आपको मिला, क्या इतने बड़े जनादेश की आपको उम्मीद थी? इससे ज़्यादा की थी। वोटर लिस्ट में अगर गड़बड़ी नहीं होती तो इससे ज़्यादा वोट मिलते मुझे।
तो हमारे साथ थी इस समय संयुक्ता भाटिया जी, जिन्होंने बताया कि इससे ज्यादा वोट की उन्हें उम्मीद थी, हालांकि एक बहुत बड़ा जो है उन्हें जनादेश मिला और जिसका शुक्रिया वो जनता को करना चाह रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन अविनाश निगम के साथ प्रियम पाठक, नेशनल वॉइस। वहीं गोरखपुर में मेयर पद पर बीजेपी प्रत्याशी सीताराम जायसवाल को जीत मिली है। नवनिर्वाचित मेयर से खास बात की हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। कैसे विकास करेंगे सीताराम जी, आपने प्रतिबंधी को 75,000 वोटों से हराया है, क्या रणनीति होगी और जो 70 वार्डों में विकास के कार्य कैसे करेंगे आप? देखिए, 70 वार्डों में विकास करने की एक चुनौती है नगर निगम पर, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसमें साफ साफ लिखा है कि हम शहर के नागरिकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान कराएं। विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान कराने में जो भी मानक आएगा हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हम उसको पूरा कराने का प्रयास करूंगा। इसमें सबसे पहले आए कूड़ा निस्तारण, जाम से मुक्ति, छुट्टा पशुओं से शहर खाली कराना, ये सब प्राथमिकताओं में है हमारे, और जल निकासी, इन चार विषयों पर गोरखपुर के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। ये सीएम सिटी और सीएम सिटी का विकास सीएम सिटी के हिसाब से होगा और हम उस मानक को पूरा कराने का पूरा प्रयास करेंगे। बीजेपी का एक नारा है स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत। गोरखपुर में 70 वार्ड है लेकिन अभी तक ना वो स्वस्थ हो चुका न स्वच्छ हो चुका, उसके लिए आप क्या करेंगे? अब देखिए, इसका कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में आना केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही, आज दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम जो भी योजनाएं नगर स्तर पर विकास की बनाएंगे उसे केंद्र और राज्य के सहयोग से पूरा करेंगे। इसमें किसी को भी सोचने की जरूरत नहीं है, जो जनता की मांग होगी मैं स्वयं हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में रहेंगे, उनसे पूछेंगे, उनसे जानेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे और उनके सहयोग से उसका समाधान भी हम करेंगे। ये थे हमारे साथ यहाँ के जीते हुए बीजेपी के महापौर सीताराम जायसवाल। इनका कहना क्या था कि पिछली बार हमारी सरकार सत्ते में नहीं थी, इस बार हमारी सरकार सत्ते में, इस बार हम पूरा विकास करेंगे। गोरखपुर से संजय कुमार, नेशनल वॉइस। झांसी के नगर निगम चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी रामतीर्थ सिंघल की जीत हुई है। नवनिर्वाचित मेयर रामतीर्थ सिंघल ने जनता को धन्यवाद दिया। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि यह जीत मेरी नहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी की विकास परक नीतियों की ये विजय है। सर, क्या काम करना चाहेंगे झांसी के लिए जो जनता याद करे आप? जो मोदी जी का नारा है स्वच्छता अभियान का, सबसे पहले उस कार्य को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे जिससे झांसी नगर स्वच्छ हो और स्वस्थ हो। मैं तो निकाय चुनाव में पार्टी की बड़ी जीत से उत्साहित सूबे के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नेशनल वॉइस के साथ बातचीत में मतदाताओं के साथ साथ बीजेपी के जीते हुए मेयर सहित सभी निर्वाचित उम्मीदवारों को बधाई दी है। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से निकाय चुनाव में भाजपा आगे की ओर बढ़ रही है, क्या कहेंगे इसके बाद? बधाई 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 मतदाताओं को, बधाई कार्यकर्ताओं को, बधाई मैं देना चाहूँगा अपने उन जीते हुए मेयर, अध्यक्ष और पार्षद पद के प्रत्याशियों को। मैं बधाई देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के पूरे चुनाव आयोग से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, हमारे आप सब पत्रकार मित्रों को भी बधाई देना चाहूँगा जो निष्पक्षता से इस चुनाव को कैसे आगे दिखाने उठाने का काम किया। और भाजपा की यह विजय निश्चित तौर से मैं कहूँ कि 2014 के बाद फिर से हम 2017 इस नगरी निकाय चुनाव के बीच में कोई अंतर नहीं होने दिए, कमल खिल गए। बहुत लोग कह रहे थे कि जो कार्यकाल रहा है इसके बाद अब ये चुनाव में कहीं ना कहीं भाजपा को पता चलेगा, कोई सबक सीखेगी भाजपा। जिनको सबक सीखना था उन्होंने सीख लिया है, अगर आप भी सबक सीख जाएंगे तो मुझे लगता है कि आगे इस तरह से नहीं करेंगे। लेकिन भाजपा के पक्ष में मतदाता है, भाजपा का कार्यकर्ता खड़ा है चट्टान की तरह,
और भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूती के साथ कोई भी चुनाव को गंभीरता के साथ लेता है, लड़ रहा है। और उत्तर प्रदेश की सरकार तो जो कर ही रही है, लेकिन हमारे सर्वोच्च नेता माननीय मोदी जी के प्रति जो देश की जनता का विश्वास है, उस विश्वास की भी यह जीत। सामने गुजरात चुनाव भी है और 16 सीटों पर लगभग दावा हो रहा था। मैं इतना ही कह सकता हूं कि गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अब तक की सबसे बड़ी विजय इस विधानसभा चुनाव में प्राप्त करेगी, ऐसी पूरी संभावना विजय प्राप्त करेगी ऐसी संभावना है। और जो जीत मिली है उसके लिए फिलहाल भाजपा के पास उन लोगों के लिए सबक देने की बात कर रही है जो लोग उनका विरोध करते थे और जो लोग भाजपा के विजय ज्ञानेंद्र मिश्रा के साथ शिवाजी वाड़ी। नेशनल वॉयस लखनऊ। तो निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर सूबे की मंत्री रीता भगोड़ा जोशी ने योगी सरकार के सफल कार्यकाल को श्रेय दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि बीजेपी को जीत नहीं मिली, उस पर पार्टी मंथन करेगी। हमारे संवाददाता शिवा तिवारी ने रीता भगोड़ा जोशी से भी खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के रुझान आ रहे हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़त बनाती हुई दिख रही है। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री रीता भगोड़ा जोशी जी, उनसे बात करते हैं। मैडम, दिख रहा है रुझान आ रहे हैं, आपके फेवर में जा रहे हैं, किसको श्रेय देंगी? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और यहाँ की जनता को, उस मतदाता को जिसने मोदी जी में विश्वास किया, योगी आदित्यनाथ जी में विश्वास किया, अमित शाह जी में विश्वास किया, महेंद्र नाथ पांडे जी में विश्वास किया। तो मैं ये समझती हूँ कि इट्स अ कलेक्टिव विक्ट्री हम लोगों की हो रही है और जिस तरह का रुझान है इससे स्पष्ट है कि बहुत ज़बरदस्त लैंडस्लाइड जीत की ओर हम लोग हैं। और 2014 से 17 सब ये चुनाव, 18 आने वाला है और 19, आप देखिएगा भाजपा की में लोगों का विश्वास और बढ़ते ही जाएगा। और इसका कारण भी यही है कि हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, जो संकल्प लिए दिल्ली में 2014 में उसको पूरा कर रहे हैं, 17 में यूपी में लिए उसको पूरा कर रहे हैं, अब स्थानीय निकाय के संकल्प लिए हैं, एक साल मेहनत करके उसकी ओर आगे बढ़ेंगे, तो फिर तो 2019 हमारे मुट्ठी में होगा। पहले लोकसभा में आपने अच्छी बढ़त ली, फिर विधानसभा में भी ली, लेकिन आप उस वक्त से भी ये कहते रहे कि बहुजन समाजवादी पार्टी लगभग साफ हो गई प्रदेश से, लेकिन इस बार जो आपके सामने खड़ी हो रही है, जो सीटें आ रही हैं, वो बहुजन समाजवादी पार्टी से आ रही है। अब लोकतंत्र है, कोई तो दूसरे नंबर पर होगा, लेकिन पूरा रिजल्ट आ जाएगा तो देखिएगा कितने दूर होंगे वो लोग। सवाल ये नहीं, हम ये नहीं चाहते कि सब पार्टियाँ समाप्त हो जाएँ, पार्टियाँ तो रहेंगी, हम जहाँ पर हैं हम उससे आगे बढ़ते जाएंगे और जिसको पीछे आना है आता रहे। बिल्कुल, हम बढ़ते जाएंगे, जिसे पीछे आना है आता रहे, ये कहना है उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रीता भगोड़ा जोशी का। फिलहाल रुझान आ चुके हैं और अब इंतजार है नतीजों का, जहां पर स्थिति साफ होगी कि कौन कितने पानी में है। विजय ज्ञानेंद्र मिश्रा के साथ शिवा तिवारी, नेशनल वॉयस। और इस बीच नगर निगम चुनाव में दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही है। आपको बता दें कि 7 नगर निगम में दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही, यानी जो वोटिंग परसेंटेज है उस आधार पर लखनऊ, फैजाबाद, अलीगढ़ में एसपी ने टक्कर दी है, जोरदार टक्कर। बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी में भी एसपी के जो प्रत्याशी हैं वो दूसरे नंबर पर रहे। नगर निगम चुनाव में दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी 7 नगर निगमों में रही है, यानी काफ़ी टक्कर दी है समाजवादी पार्टी ने। तो 16 में से 14 सीटों पर जीत का झंडा फहराने के बाद सीएम योगी पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम योगी ने इसे ऐतिहासिक जीत करार देते हुए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। प्रदेश के लाखों लाख कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव में ऐतिहासिक विजय। मैं आभारी हूं प्रदेश संगठन के अपने अध्यक्ष जी का, प्रदेश संगठन महामंत्री जी का, अपने मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी मित्रों का, जिन लोगों ने मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लोक कल्याणकारी अभियान को निचले स्तर तक आम जन तक पहुंचाने मैं जो मेहनत की उसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी की नगर निकाय चुनाव में ऐतिहासिक विजय। उन सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी के मेयर, चेयरमैन और पार्षद पद के सभी प्रत्याशियों को जिताया है,
मैं सभी को अपनी बधाई देता हूं, सभी नगर महापौर के रूप में जीते हुए प्रत्याशियों को, सभी अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों को, अध्यक्ष पद के लिए जो प्रत्याशी अध्यक्ष के पद पर जीते हैं, और सभी पार्षदों को भी मैं इस अवसर पर अपनी बधाई देता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा चुनाव आयोग को, जिन्होंने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से नगर निकाय के चुनाव को प्रदेश के अंदर संपन्न किया है। तो योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है अपने कार्यकर्ताओं को, लेकिन इस बीच नगर निगम चुनाव में दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही, 8 नगर निगम में दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही है। आपको बता दें कि लखनऊ, फैजाबाद ये वो सीट हैं, अलीगढ़ में एसपी ने दूसरे नंबर पर टक्कर दी है, बरेली और इलाहाबाद में भी समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जोरदार टक्कर दी है, यानी कि दूसरे नंबर पर रही। जबकि वाराणसी की बात कर ली जाए तो वहाँ भी एसपी दूसरे नंबर पर रही। वहीं लखनऊ और गोरखपुर की बात कर ली जाए, गोरखपुर जहां पर बीजेपी की गढ़ है यानी योगी आदित्यनाथ की गढ़ रही है, गोरखपुर में भी समाजवादी पार्टी ने जोरदार टक्कर दी है और दूसरे नंबर पर रही। वहीं लखनऊ में, यानी लखनऊ में काफ़ी दिनों से बीजेपी का कब्जा रहा है, इस पर 100 साल बाद मेयर सीट के लिए यानी महिला प्रत्याशी यानी महिला के लिए आरक्षित किया गया, लेकिन उसमें भी काफ़ी जोरदार टक्कर दी है समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में भी। तो लखनऊ, फैजाबाद, अलीगढ़ में एसपी ने टक्कर दी है, दूसरे नंबर पर सभी जगहों पर पार्टी रही, यानी कि थोड़े थोड़े अंतर से ही पार्टी की हार हुई है। नगर निगम चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जोरदार टक्कर दी, हालांकि ये नगर निगम जो चुनाव है वो बीजेपी के, यानी पहले से ये लगभग घोषित ये था, क्योंकि पिछले चुनाव में भी बीजेपी का कब्जा रहा है जो शहरी इलाका है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन दूसरी तरफ जो नगर निगम है वहां भी इस बार पिछले बार के मुकाबले इस बार का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और टक्कर में रही है समाजवादी पार्टी, यानी कि दूसरे स्थान पर रही है। मैं कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाली अमेठी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों को हार का मुंह देखना पड़ा। अमेठी की दो नगरपालिका और दो नगर पंचायत सीटों पर आज काउंटिंग हुई। नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने दोनों सीटों पर कब्जा कर लिया है। वहीं पहली बार नगरपालिका बनाई गई गौरीगंज पर स्थानीय विधायक राकेश प्रताप सिंह की मेहनत रंग लाई और सपा प्रत्याशी राजमती देवी की जीत हुई है। जनता हमारे साथ थी हमेशा। आपको इलेक्शन जीत के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। गौरीगंज का क्या विकास करेंगे आप? हर तरीके से विकास करना चाहते हैं हम। वहीं देवरिया से पुलिस की बर्बरता का मामला सामने आया है। पुलिस ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक नेता को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, साथ ही पुलिस ने मीडिया सेंटर में घुसकर पत्रकारों पर भी जमकर लाठियां बरसाई हैं, जिसमें भाजपा नेता और कुछ पत्रकार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसमें एक पत्रकार के सिर पर गंभीर चोट लगी है। दरअसल मतगणना स्थल पर भारतीय जनता युवा मोर्चा का नेता पानी पीने गया था, वापस लौटने पर पुलिस वालों से उसकी बहस हो गई, जिस पर पुलिसकर्मियों ने उसे दौड़ा लिया। भाजयुमो नेता भागकर मीडिया के सेंटर में घुस गया, जिसके बाद पुलिस वालों ने भाजयुमो नेता के साथ पत्रकारों को भी पीटना शुरू कर दिया। डीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच अपर पुलिस अधीक्षक को सौंप दिया है। आपने आज अभी संज्ञान में आया है कि यहाँ पे गेट पे पुलिसकर्मियों के द्वारा कुछ जातियाँ की गई हैं, तो पर पूरे प्रकरण की भी जांच की जा रही है। जो प्राइम एफिसी ये पता चला है कि कुछ एजेंट्स के द्वारा बदमाशी की गई और महिला पुलिसकर्मियों के साथ गाली गलौज की गई, तो उसी के रिटेलिएशन में कुछ एक्शन लिया गया है। अभी इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएं, चाहे वो पुलिसकर्मी हों या फिर एजेंट्स हों, उन सबके विरुद्ध कड़ी से। और यार छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार नगर नेशनल वॉइस पर जारी रहेगा। मेहनत की